नमस्कार जी, मेरा नाम सोनू जी, गांव पसवाड़ा जी, और जी मेरा जिला मेरठ है जी, तहसील मवाना। तो जी मैं आलू की खेती करता हूँ जी, और जो आलू की बुआई में जी मैंने जो है ये माइकोर लगाया 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जी। उसके बाद जी जब 40 से 45 दिन की मेरी फसल हुई तो आलू जमकर थोड़ा बाहर निकले हैं, सभी पौधे जो है बाहर निकल गए। उसके बाद में जो है मैंने जो है जी 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दूसरी बार जब पहला पानी दिया यूरिया के साथ मिला के माइकोर लगाया। उसके बाद जी आलू में जो है जड़े बहुत ज़्यादा निकली माइकोर लगने के बाद, जैसे 2 बार लगा, जिसमें मैंने माइकोर नहीं लगाया उसमें जो है बहुत जड़े कम थी। जिस पौधे की जड़ें कम होंगी वो कमजोर होगा, और जिस पौधे के अंदर जड़ें बहुत ज़्यादा होंगी उस वो पौधा स्वस्थ रहेगा। जो ज़्यादातर किसान हैं वो अपनी बुआई आलू जब बोते हैं उस टाइम डाई और पोटास में जो है माइकोर मिला के 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, और जैसे ही पहला पानी दें या दूसरा पानी दें उस टाइम भी एक बार डोज लगा दें। रिजल्ट के लिए आप एक खेत में लगाना, एक में मत लगाना, बराबर बराबर दोनों प्लॉट होने चाहिए, और जो है आप दोनों में लगाओ, उसके बाद आपको जो है पता लगेगा। अगर अलग अलग प्लॉट में आप लगाते हो, दूर दूर प्लॉट है, तो आपको उसका अंदाजा नहीं होगा। पंक्ति काट के अलग अलग दोनों में, दोनों प्रोडक्ट एक में लगाओ एक में मत लगाओ, जब आपको जो है सही पता लगेगा कि हमारा जो माइकोर प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है, और जो दूसरा प्रोडक्ट नहीं लगाया जिसमें वो उसमें क्या रिजल्ट का 7 पीसेस है आलू लगभग जो है ज्यादा निकली, क्योंकि जो जिसमें हमने प्रोडक्ट नहीं लगाया वो हमारा 80 से 90 दिन के बीच में आलू खत्म हो गया, और जिसमें हमने अभी माइकोर लगा रखा है वो 100 दिन का खेत हो चुका, अभी तक सूखा दूध स्वस्थ खड़ा हुआ है, एक भी पत्ती में कोई दिक्कत नहीं।